बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है। परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं, वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबर वार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ हैं, भल उन्हों की महिमा है, आज की दुनिया में भी कितने ज्यादा मठ पंथ, जितने नाम गिनाओ अनगिनत, बाबा ने कहा, लेकिन उनकी महिमा है क्योंकि पवित्र हैं। स्वर्ग का रचयिता तो है बाप, और कोई मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग रचेगा, फिर राजयोग भी कोई सिखलावे। अब तुम कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो, पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए, तुम कहते हो कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण ही नारायण बनता है, फिर कृष्ण जैसा क्यों कहते? बाबा ने कहा तुमको कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरे, राधे के लिए नहीं कहा। बाप समझाते हैं तुमको कृष्णपुरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वह है कृष्ण का देवी कुल और कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो संगम पर, शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला ना सके। जो ब्राह्मण न कहलाएं वह शूद्र वर्ण के हैं। भारत की ही बात है, भारत ही स्वर्ग बनता फिर भारत ही नरक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले सतो रजो तमो में आना ही है, जबकि वह भी चक्र में आते हैं। बाबा ने कहा जबकि वह भी चक्र में आते हैं तो बुद्ध आदि वापस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते? जब लक्ष्मी नारायण भी चक्र में आते हैं तो भले उनके धर्म में कहते हैं कि बुद्ध को निर्वाण मिला, बाबा ने कहा लेकिन वो निर्वाण में कैसे जा सकते हैं? कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधापंथी आया था, कहता था राधे ही राधे। हर एक जिसको मानने वाले होते हैं फिर उसके लिए कहते हैं राधे हाजिरा हजूर है। ऐसे मथुरा के पास जाओ तो वहाँ एक स्थान है जहाँ राधा का जन्म हुआ था, तो वहाँ पे आप किसी से भी बात करेंगे तो वो राधे 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 ना वही बोलते हैं। तो ऐसे राधापंथी भी होते हैं, तेरे में मेरे में राधे ही राधे हैं। गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश हैं। क्रिश्चियन फिर दूसरी बात कहते हैं क्राइस्ट गॉड का सन है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन हो? आप अपने को क्या समझते हो? अनेक मत मतांतर हैं भक्ति मार्ग में और धर्मों में भी, हाँ सब मिलाकर के बाबा ने कहा अनेक मत मतांतर हैं लेकिन रास्ता कोई को भी मिलता नहीं। सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति तो बाबा ही देगा, उनसे हम क्या मांगे? कोई को पता ही नहीं, उनसे मांगना भी क्या है,
वो भी लोगों को पता नहीं, और क्या मांगते रहते हैं, संसार की छोटी छोटी चीजें। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं, फिर धनी आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। भक्ति मार्ग में जाओ, कहीं भी किसी भी मंदिर में, तो इतनी लाइन होती है, बिना धक्के के तो अंदर जा ही नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा कितने धक्के खाते हैं। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं अपने समय पर, भल कोई कितना भी पुकारे परंतु मैं आता हूं, संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देता हूं। फिर नंबर वार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रही हैं। कहाँ बैठी हुई हैं? यहाँ सब बैठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा जो भी देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ब्रह्मानुसार फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका है वह फिर रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे। हिसाब निकालो, हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे, हिसाब पूरा निकाल सकते हैं। बाबा ने कहा झाड़ पर समझाना बहुत सहज है, आपे ही मनुष्यों को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से यह विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वह भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। बॉम्ब की शुरुआत यूरोप से ही हुई, जो आइंस्टाइन था वो जर्मनी का था। तो बाबा ने कहा भले वो बॉम्ब्स बनाते हैं, लेकिन महसूस करते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं, न चाहते हुए भी यह मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना। अब ये जो नई सैपलिंग लगी है, बाबा ने कहा धीरे धीरे झाड़ बढ़ेगा। कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं। कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। हाँ, भले फूल बन जाते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था। हाँ, क्या कहते हैं बाबा? बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। और फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती, फिर भी अहो मम माया, अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती। बाबा की भाषा है। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं, उनको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र कौन सा है? देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवद् गीता ठीक है, भगवान उवाच है। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की।
यह है सबसे प्राचीन धर्म। हरेक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं, सभी धर्म अपने अपने शास्त्र पढ़ते हैं। अभी तुम देवता बनते हो, लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। वहाँ शास्त्र होता नहीं, सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र की जरूरत ही नहीं। यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई जो गीता अभी है, फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे, फिर से वैसी की वैसी गीता बन जाएगी। जैसे कल्प पहले बनाई है, वैसे फिर यह शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएगी। बाप समझाते हैं, सिकिलते बच्चे मुझ बाप की श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बन। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताए, सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया है। मनुष्य तो मुंझे हुए हैं। ड्रामानुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई हैं, बाबा ने बहुत युक्तियां बताई हैं, कैसे बाबा को याद करो। सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो, भोजन बनाने समय भी याद करो। कौन कौन सा टाइम निकाल सकते हैं बाबा की याद के लिए? भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है, तो शिव बाबा क्यों नहीं याद पड़ सकता? तो बाबा ने पूछा है, यह तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि को सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो न चढ़ो, यह है तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे, हाँ बाबा ने कहा है सिकिलधे अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार, कृष्णपुरी में चलने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा है, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कंकड़ और रतन को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात व्यर्थ और समर्थ को अलग करने वाले, परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते, अलग भी करते हैं और फिर उसको छोड़ भी देते हैं, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़
समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी गया तो उसको छोड़ देंगे, उसको धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाया। अब गवाने वाले नहीं, अब गवाने वाले नहीं क्या बनना है, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। स्लोगन, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।